नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में अमीनों की बहाली का रास्ता साफ। बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा के आवेदन के लिए एक और मौका। असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक। नगर निकाय चुनाव में लॉटरी से हुआ हार जीत का फैसला। आईपीएल प्रेशर को लेकर कपिल देव ने दिया विवादित बयान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अमीनों की बहाली का रास्ता साफ। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार के द्वारा अमीनों की बहाली को लेकर जो संशोधन किया गया था, उसके अनुसार जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने बीते दिन हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बता दें कि उन्होंने अपने इस निर्णय से स्पष्ट कर दिया है कि अब 12वीं कक्षा पास उम्मीदवार भी अमीन बन सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा इस पद पर नियुक्ति को लेकर 2016-17 में किए गए संशोधन की जानकारी सिंगल बेंच को नहीं दी गई थी, जिस वजह से कोर्ट में 12वीं पास उम्मीदवारों को अमीन पद पर नियुक्ति देने से मना कर दिया था। नगर निकाय चुनाव में लॉटरी से हुआ हार जीत का फैसला। बीते दिन बिहार में हुए नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का फैसला सामने आया, जिसमें नालंदा जिले के एंकर सराय नगर पंचायत के वार्ड संख्या 4 से 2 प्रत्याशियों को बराबर मत मिले, जिसके बाद दोनों प्रत्याशियों की सहमति से पर्यवेक्षक की उपस्थिति में लॉटरी कराकर दोनों के बीच हार जीत का फैसला लिया गया। लॉटरी में आमिर कुमार की जीत हुई, इसके बाद उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। जीत के बाद आमिर ने कहा कि भगवान ने उनकी सुन ली है, जनता ने उनका साथ दिया है और अब वह सभी को साथ लेकर विकास का कार्य करेंगे। बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा के आवेदन के लिए एक और मौका। अगर आप भी बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन आप आवेदन करने से चूक गए हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा के आवेदन की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2022 से बढ़ाकर 30 दिसंबर 2022 तक कर दी गई है। यानी कि अब इच्छुक अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि अब परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव कर दिया गया है। इससे जुड़ी अधिसूचना बीते दिन मंगलवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बता दें कि इस बार कुल 281 खाली पदों पर बहाली की जाएगी। एनएचआरसी की टीम पहुंची छपरा के सदर अस्पताल। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से की मौतों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बीते दिन छपरा के सदर अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने कुछ जरूरी जानकारी हासिल की। हालांकि जानकारी लेने के बाद जब वह सदर अस्पताल से बाहर निकले, तो उन्होंने पत्रकारों से न तो कोई बातचीत की और न ही किसी प्रश्नों का जवाब दिया। अस्पताल के सीएस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने मृतकों की संख्या और पोस्टमार्टम के विषय में जानकारी हासिल की। असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक। डॉक्टर अमोद प्रबोधी सहित अनेक अभ्यर्थियों की तरफ से दायर बिहार के 12 विश्वविद्यालयों में 4000 से अधिक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार राज्य यूनिवर्सिटी सर्विसेज कमीशन को एक पत्र जारी कर बड़ा फैसला लिया है। जारी किए गए इस पत्र के अनुसार अगले आदेश तक असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है कि सहायक प्रोफेसर की पिछली 3 नियुक्ति प्रक्रियाओं की पूरी फाइल को पेश किया जाए। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 10 जनवरी 2023 को की जाएगी। बिहार नगर निकाय चुनाव में 90% सीटों पर जीते नए चेहरे। बिहार के 156 नगर निकायों में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों के लिए कराए गए चुनाव में करीब 85 से 90% सीटों पर नए चेहरे ने जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार चुनाव में कई चौंकाने वाले भी परिणाम सामने आए हैं, जिनमें चकिया, पीरो, वजीरगंज तथा महाराजगंज के 5 वार्डों का परिणाम लॉटरी से निकाला गया है, क्योंकि 2 प्रत्याशियों का वोट समान था। हालांकि लॉटरी दोनों प्रत्याशियों की सहमति पर ही कराई गई। वहीं लॉटरी में जीतने वालों का भी मानना है कि उनकी जीत जनता के विश्वास और भगवान के आशीर्वाद से हुई है। गया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के आगमन को लेकर रूट तय। 22 दिसंबर को बिहार के गया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा करीब 1 महीने के लिए प्रवास करेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। बता दें कि जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था के रूट भी तय कर लिए हैं और अब बिना पास के कोई वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही शहर के 8 स्थानों पर जिला प्रशासन बैरियर भी लगाने की तैयारी कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दलाई लामा के द्वारा मंदिर परिसर या कालचक्र मैदान के आसपास 29 से 3 जनवरी के बीच कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। उसको देखते हुए मंदिर के आसपास के सड़कों पर सभी प्रकार के वाहनों को वर्जित कर दिया गया है और साथ ही महाबोधि मंदिर के पास से कोई भी वाहन बिना पास के प्रवेश नहीं कर पाएगा। कहीं भी अनावश्यक गाड़ी पार्क नहीं की जा सकेगी, केवल पार्किंग स्थल में ही गाड़ी पार्क होगी। पटना में मिशन सृष्टि कार्यशाला में प्रत्यय अमृत।
बीते दिन बिहार के पटना जिला के विज्ञान भवन में राज्य स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिशन सृष्टि के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सर्जन, डीपीएम, आरपीएम, लेबर रूम सिस्टर इंचार्ज, सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट, हॉस्पिटल मैनेजर, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने भाग लिया। इस दौरान इन सभी को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा जिला अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्यय अमृत ने कहा कि 2023 मार्च तक प्रदेश के कम से कम 10 स्वास्थ्य केंद्रों को इनक्वेस्ट सर्टिफिकेट के लिए तैयार कर लिया जाए। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब तक बेगूसराय का जिला अस्पताल ही एकमात्र प्रदेश का ऐसा अस्पताल है जिसे इनक्वेस्ट सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन अब हमें इस क्षेत्र में भी अपने प्रदेश के जिला अस्पतालों को आगे बढ़ाना होगा। प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें छोटे छोटे छलांग नहीं बल्कि एक बड़ी छलांग लगाने की आवश्यकता है। लालू की राह पर तेजस्वी यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब से बिहार की सरकार में आए हैं तब से उन्होंने बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर बीती आधी रात तेजस्वी यादव सड़क पर निकल गए और वहां उन लोगों को कंबल बंटवाया और उनके रहने की व्यवस्था करवाई जिनके सर पर छत नहीं है और जो इतनी ठंड में भी सड़क पर सोने के लिए मजबूर है। इस बात की जानकारी खुद तेजस्वी यादव द्वारा उनके ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन गरीब लोगों के लिए रहने का भी प्रबंध किया गया है और साथ ही कैमरे के भी नजर में रखा गया है ताकि इन पर किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो सके। जेडीयू नेता ने अपने घर से बरामद शराब को लेकर दी सफाई। एक तरफ जहां छपरा जहरीली शराब कांड से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर पुलिस उत्पाद विभाग के द्वारा छपरा जिले के मथुरा के स्टेशन रोड स्थित जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के घर से शराब बरामद किया गया है और साथ ही इस मामले को लेकर एक महिला की गिरफ्तारी भी की गई है। बताया जा रहा है कि यह महिला किरायेदार की पत्नी है। वहीं शराब के बरामदी होने के बाद जेडीयू नेता का कहना है कि मैं 32 साल से वहां नहीं रह रहा हूं और मेरा मकान बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मुझे और मेरी पार्टी जेडीयू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जबकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर की स्थिति यह है कि वहां पर दरवाजा और खिड़की तक नहीं है। जगदानंद सिंह का नीतीश कुमार को सलाह। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सलाह दे दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की राह पर चले, जैसा कि उन्होंने बड़े पद को पाने के लिए छोटे पद को छोड़ दिया था वैसे ही नीतीश कुमार भी करे। उन्होंने कहा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए राजीव गांधी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था और फिर पूरे देश में घूम घूम कर विपक्ष को एक करने का काम किया था और फिर 1979 के चुनावों के बाद प्रधानमंत्री बने थे। एनएचआरसी के बिहार पहुंचने पर बोले तेजस्वी यादव। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से हुई 70 से ज्यादा मौतों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंची। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एनएचआरसी की टीम के बिहार आने पर कहा है कि दिल्ली की केंद्र सरकार ने एक एजेंडा के तहत मानवाधिकार आयोग टीम को बिहार भेजा है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब कांड से लोग मरे जबकि वहां शराबबंदी नहीं है, फिर भी वहां मानवाधिकार आयोग की टीम नहीं गई और यह टीम बिहार दौरे पर आई है। उन्होंने कहा कि एक जगह से एजेंडा फिक्स हो गया है कि बिहार को बदनाम करना है। अभी भी स्टिंग ऑपरेशन करिएगा तो शराब मिलेगा, तो क्या हमने किसी को स्टिंग ऑपरेशन करने से मना किया है? किसी भी राज्य में चले जाइए, 100% कोई ठीक नहीं होता है। सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार पहुंचे पैतृक गांव। निजी कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार अपने पैतृक गांव सिवहर के कमरौली पहुंच वहां की गलियों का भ्रमण किया और साथ ही उन्होंने अधिकारी और ग्रामीणों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। दीपक कुमार के द्वारा दिए गए निर्देश में सरकार संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमरौली में चिकित्सकों की हर हाल में उपस्थिति जैसे निर्देश दिए गए। इस दौरान मौके पर पारिवारिक सदस्य सुमित कुमार, दीपू पिपड़ाही, प्रमुख उपेंद्र पासवान और मुखिया आलोक कुमार समेत अन्य मौजूद रहे। आईपीएल प्रेशर को लेकर कपिल देव ने दिया विवादित बयान। विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने कोलकाता में एक सभा को संबोधित करते हुए आईपीएल में खिलाड़ियों के प्रेशर को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कपिल देव ने कहा कि आज के समय में खिलाड़ियों के लिए यह शब्द सामान्य हो गया है कि हम आईपीएल खेल रहे हैं इसलिए बहुत प्रेशर में है। ऐसे प्रेशर वाले खिलाड़ियों के लिए मैं कहता हूं कि मत खेलो, आपको खेलने को कौन कह रहा? अगर आप इस लेवल पर खेल रहे हैं तो सीधी सी बात है आप पर दबाव होगा, आपकी प्रशंसा भी होगी और आलोचना भी। अगर आप नहीं खेलना चाहते तो जाएं और केले की दुकान लगाएं, अंडे बेचें। अगर आप अपने मिले मौके को दबाव कहेंगे तो कुछ अच्छा नहीं निकलेगा।
जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.95 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.57 रुपए और डीजल 95.26 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.68 रुपए और डीजल की कीमत 95.36 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.61 रुपए और डीजल की कीमत 95.31 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.25 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सुनील कुमार, कुश कुमार यादव, बाबूलाल मरांडी, मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद शकीर हुसैन, नुन्नू गोलू कुमार, मुटू रंगीला, के सिन्हा, मोहम्मद नौशद राजा, अनवर करीम खान, कन्हैया कुमार, वेद प्रकाश सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में जमीन सर्वे का काम चल रहा है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।